हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे LIC से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 5 लाख का। 5 लाख का पर्सनल लोन 5 सालों के लिए, तो मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी और मुझे टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। और पूछा है कि 5 लाख का जो लोन है वो 5 सालों के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उन्होंने कहा है कि क्या स्टेप होते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे और डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी के ऊपर भी बात कर लेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है LIC के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो पहले समझते हैं कि LIC लोन आप लोगों को किस तरीके से मिलता है, ठीक है। LIC में जो लोन होता है, देखो LIC का जो लोन होता है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके पास हो या तो अदर बैंक से अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं तो देख सकते हैं, पहले इंटरेस्ट रेट समझ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो लगता है वो आप लोग को 9% लगता है, ठीक है। ये आपके होम लोन से, जो आपको LIC पे होम लोन मिलता है उससे 2-3% ज़्यादा ही लगता है। तो LIC का जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 8%, तो 8% से 1.5%, 2%, 3% ज़्यादा, मान लो 10%, 11% के इंटरेस्ट से आपको पर्सनल लोन मिलता है। क्योंकि पर्सनल लोन LIC में जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है अदर बैंकों के अकॉर्डिंग, ठीक है। और लोन टेन्योर की बात करी जाए तो 5 सालों के लिए आप लोग लोन टेन्योर मिलता है। लोन अमाउंट की बात करी जाए तो 90% पॉलिसी सरेंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सरेंडर वैल्यू क्या होती है और पॉलिसी क्या होता है ये समझो कि देखो LIC क्या करती है, लाइफ इंश्योरेंस देती है। आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस हो उसके अंदर आप लोग लोन ले सकते हो, और जब आप उसके अंदर कोई भी लोन लेते हो तो बहुत कम इंटरेस्ट पे आप लोग को लोन मिल जाता है, ठीक है। अब LIC सरेंडर लोन के अंदर आप लोग के साथ कोई भी अदर लीडर्स के साथ आप लोग लोन ले सकते हैं। प्री पेमेंट चार्जेस जहाँ पे नील रहते हैं, फॉर क्लोजर चार्जेस आपके नील रहते हैं। अब हम लोग अदर लीडर बैंक समझते हैं। अदर लीडर बैंक जैसे हो सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेटर ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। अगर आप SBI से लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं और LIC से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 9.60% लगेगा। और HDFC बैंक से अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं कोई भी, और उसके बाद आप LIC से लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10.25% लगेगा। और ICICI बैंक अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप LIC से लोन लेते हैं तो आप लोगों जो इस लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत आपको ये आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो 10.25%। आपको कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंतर्गत आप कोई भी लोन ले सकते हो, मैरिज लोन, एजुकेशनल लोन, होम रेजुएशन लोन, तो कोई भी लोन आप लोग उसके, बहुत सारे कार लोन, मतलब कि बहुत सारे लोन आ जाते हैं। तो कोई भी लोन आप लोग को चाहिए हो, जिस तरीके जिस कैटेगरी में आप लोग के लिए लोन चाहिए हो वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझने वाली थी। आप समझते हैं कि आप लोग ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोग को 5 लाख का लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको आपका जो भी इंश्योरेंस आपका चल रहा होगा टर्म, आपके ऊपर अगर 1 करोड़ का आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, 50,000 का इंश्योरेंस करवाया होगा, 10 लाख का करवाया होगा, 20 लाख का करवाया होगा, तो आप लोग को आसानी से उसके 90% पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोग को सडन लोन मिलता है। तो आप लोग आसानी से, और कोई भी पॉलिसी यार जो भी आप लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो कोई भी यार 1 करोड़ के नीचे तो नहीं होती है, 1 करोड़ 50 लाख के नीचे होती नहीं है। तो आसानी से आप लोग को 5 लाख का लोन आसानी से मिल जाएगा। अब 5 लाख का लोन, और ये मैक्सिमम देखो लोन टेन्योर इन्होंने लिख दिया कि 5 सालों में आप लोग को चुकाना होता है, तो लोन टेन्योर इन्होंने फिक्स कर दिया कि 5 साल। तो अब हम लोग चलते हैं पहले EMI कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप लोग अपने पर्सनल लोन के बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं और हर लोन की आप लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन हम लोग को चाहिए तो पर्सनल लोन में हमने डाल दिया हमारा अपना अमाउंट डाल देते हैं 5 लाख रुपए। अब कितने लाख का चाहिए था, अब कितने साल लाख, हम 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मान लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे 9 लिखा है लेकिन हम लोग 10% मान लेते हैं, क्योंकि यार जो हमारे नॉलेज के, जो हमें पता है कि जो LIC देती है वो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1.5% या 2% 3% आप लोग को ज़्यादा ही देना पड़ता है। तो LIC का जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो 8%, 8.5%, तो 1.5-2-3% हमने 10% मान लिया, ठीक है। और LIC का लोन टेन्योर हम लोग को कितना दे, भाई का क्वेश्चन था 5 लाख का लोन 5 सालों के लिए, तो लोन जो हम लोग को देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, लोन जो की जो हम लोग की मंथली किस्त बनेगी वो बनेगी जा करके 10,624 रुपये। टोटल जहाँ हम लोग को पेमेंट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 1,37,411 रुपये, जो टोटल पेमेंट हम लोग को करनी पड़ रही है
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके ये आप लोग का जो ये अमाउंट है ये टोटल ब्याज है जिसको हम लोग टोटल इंटरेस्ट कहते हैं, तब जा करके और प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोग ने बैंक जो LIC से हमने लोन लिया 5 लाख का वो हो गया ठीक है। अब LIC का अमाउंट जोड़ LIC से जो लोन लिया वो अमाउंट जोड़ करके और जो टोटल ब्याज हम लोग ने लिया टोटल ब्याज जो हम लोग को लगा है उस अमाउंट पर वो हम लोग का 1,37,411 रुपये, इसको जोड़ने के बाद जो हम लोग का जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके जो टोटल पेमेंट बनी वो बनी जा करके 6,37,411 रुपये। ये जो टोटल ब्याज है वो 21% लगा और प्रिंसिपल अमाउंट जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो हम लोग का 68% लगा ठीक है। तो ये आप लोग का 100% का सर्कल बनता है जिसमें आप लोग का टोटल ब्याज अलग है प्रिंसिपल अमाउंट अलग है वो आप लोग अलग अलग डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को काफ़ी डिटेल मिल जाती है, जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आपका लोन अगस्त में अप्लाई हो गया और जून सितंबर से अगर आपकी मंथली किस्त जाने लगी तो आगे आने वाले जितने भी समय होंगे उसमें आप लोग की कितनी मंथली किस्त जाएगी टोटल ब्याज कितना लग रहा है टोटल मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इस कैलकुलेटर में पता चल जाती हैं। और देख सकते हैं 2022 में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 26,000, इंटरेस्ट 16,000 और 2022 में जैसे क्लिक करोगे तो हर महीने वाइज भी पता चल जाएगा। तो काफ़ी डिटेल से यहाँ पे आप लोग को नॉलेज मिल जाती है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो PDF बना करके अपने मोबाइल पर भी सेव कर सकते हो। तो आप समझते हैं कि LIC के डॉक्यूमेंट्स पे अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आप लोग को और भी कैलकुलेट में समझा देता हूँ कि EMI कैलकुलेशन, अगर आपने 1 लाख का लोन 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले रहे हो तो आप लोग देखते हैं 1 ईयर के लिए ले रहे होंगे तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी 8,000 रुपये जाएगी, और 2 साल के लिए ले रहे होंगे तो आपकी मंथली किस्त 4,000 रुपये जाएगी 4,500 रुपये, और 3 सालों के लिए 3,180 रुपये जाएगी, और 4 सालों के लिए लेंगे तो 2,489 रुपये जाएगी। और देख सकते हैं 5 लाख के लिए इन्होंने अलग से दिया है कि 11% आप लोग को लगेगा ठीक है। तो हमने 10% तब भी माना था, तब आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 44,000 रुपये जाएगी पर ईयर के हिसाब से, जो पर ईयर में आप लोग को टोटल ब्याज देना पड़ेगा ना वो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग की जो 1 ईयर के लिए लेते हो तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 44,000 रुपये जाएगी, और 2 सालों के लिए लेते हैं तो 23,000 रुपये जाएगी, अगर आप 5 सालों के लिए लेते हैं तो 10,000 रुपये आप लोग की मंथली किस्त जाएगी। ये हो गई हम लोग ने थोड़ा जो LIC खुद आप लोग को प्रीफर करती वो हम लोग ने बात करी। अब समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने फॉर क्लोजर चार्जेस के बारे में बात कर लिया है, अब इलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। तो इलिजिबिलिटी इलिजिबिलिटी कहाँ गई, इलिजिबिलिटी हम लोग की यहाँ आ रही। तो LIC से एलिजिबिलिटी आपकी एज जो होनी चाहिए, देखो तो पहली बात तो आप जो शुड बी सर्टेन जो आप लोग इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, और एज आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम आपकी 65 होनी चाहिए, मतलब कि 21 से 65 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप लोगों को लोन मिल जाएगा। और अप्लीकेंट शुड ओन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है आप कोई ना कोई एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हो तभी आप लोग को लोन मिलेगा, देख सकते हैं खुद लिखा हुआ है। शुड अ पॉलिसी हैव द एक्वायर्ड सर्टेन वैल्यू, तो जो आपकी पॉलिसी की सर्टन वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को लोन मिल रहा होता है। और द पॉलिसी शुड नॉट बट टर्म इंश्योरेंस और पॉलिसी और यूनिट लिख द इंश्योरेंस प्लान, ठीक है इसके अकॉर्डिंग आप लोग को लोन मिलता है। सम ऑफ द पॉपुलर LIC पॉलिसी आप लोग को देख, और यहाँ पे आप लोग को कई सारी LIC की पॉलिसी आप लोग को दी जा रही है, जीवन प्रगति, जीवन रक्षा, जीवन लक्ष्य, न्यू एंडोमेंट प्लान और न्यू जीवन आनंद, तो बहुत सारी यहाँ पे इनकी पॉलिसी चल रही है। इसके ऊपर बात कर ली, लीडर्स के ऊपर बात कर ली, अब बात करते हैं हम लोग की लोन अप्लाई करने के लिए, देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई द पर्सनल लोन, तो इनकी ऑफिशियल साइट पर जाना है और डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऐप को भी, नहीं तो सबमिट करनी है आप लोग को फॉर्म F196 और पॉलिसी एजेंट से बात कर सकते हैं, और द पॉलिसी एजेंट सेल फॉलो विद LIC ऑफिस और फर्दर प्रोसीड आप लोग को कर देगा ठीक है। अगर आप इनकी एजेंट से बात करेंगे तो आप लोग को LIC के फर्दर आप लोग को वहाँ पे तुरंत लोन मिल सकता है। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फिल विजिट द न्यूट्रल ऑफ द LIC ऑफिस बात कर सकें, और फिल द अप्लीकेशन और सबमिट KYC और एज टू एन आप लोग को वेरीफिकेशन हो जाता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बात करते हैं अप्लाई करने के बारे में, तो आप लोग को पता ही होगा। तो देखो ओरिजिनल LIC पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के आप लोग को होने चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए कि आप लोग पासपोर्ट दे सकते हैं रेजिडेंस के लिए कि इंडिया के रहने वाले हो, इंडिया पे जहाँ रहते हो वो आपका घर है कि नहीं है, तो उसके लिए आप लोग वोटर ID दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पास और पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल भी दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप लोग सैलरी स्लिप दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं और 3 मंथ सैलरी डिटेल दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में लगेंगी, और डेट द असाइनमेंट में आप लोग को देनी पड़ती है ठीक है।
तो ये सारी चीजें आप लोग डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कम ही लगते हैं और मिनिमम डॉक्यूमेंट्स अब लगते हैं, पहले बहुत ज्यादा लगा करते गए थे, अब के समय में बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का लोन अप्रूव हो जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। यहाँ पे अगर आपने हमारे गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्लीज यार पार्टिसिपेट करिए। हमारे गिवअवे में 10K पे हम लोग ने बम्पर ऑफर वाला गिवअवे रखा हुआ है, तो उस पर आप लोग पार्टिसिपेट करिए और देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब करिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बन जय हिंद जय भारत।